नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त कर दिया गया है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, इस फैसले को कैसे देखते हैं और इसका क्या असर होगा? देखिए झाला जी, एक तो निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है बहुत कड़ा है और बहुत दूरगामी है। इसको निश्चित तौर पर हम एक मील का पत्थर जो डिजिटल दुनिया आज की है उसमें कह सकते हैं। दरअसल देखिए, पूरा मामला ये है कि जब आईटी एक्ट बना था उस वक्त जब कपिल सिब्बल जी मिनिस्टर थे और एक ये जरूरत महसूस की गई कि आईटी को जिस तरीके से उसमें आईटी को केवल आईटी मतलब टेलीफोन और इंटरनेट के प्रसार तक सीमित समझा गया था कानून के दायरे में, लेकिन आईटी उससे कहीं बड़ा हो चुका था। इंटरनेट की दुनिया बहुत फैल चुकी थी और जिस तरीके से सोशल मीडिया नाम का एक नया माध्यम उभर कर आया था उस पर जिस तरीके से लोग खुलकर अपनी बात रख पा रहे थे, और बात रखने की बात नहीं थी, बात रातों रात लाखों लोगों तक पहुंच भी रही थी, तब सरकार ने महसूस किया कि कोई कानून बनाया जाए। तो जब कानून बनाया तब उन्होंने आईटी एक्ट बनाया और उसमें कई सारी धाराएं रखी। उसमें सबसे ज्यादा विवादित ये जो धारा थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है वो थी 66A। दरअसल 66A क्या थी, उसमें कहा गया था कि आप सोशल मीडिया पर, इसको हालांकि केवल सोशल मीडिया से जोड़ा जा रहा है क्योंकि उसके लिए गिरफ्तारियां जो हुई वो सोशल मीडिया के कमेंट्स को लेकर हुई, लेकिन उसमें ईमेल या इंटरनेट पर प्रेषित की गई किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री की बात की गई थी। अब जो एम्बिगुअस या ऑब्जेक्शनेबल ये लिखा गया है उस धारा में, तो वो आपत्तिजनक क्या है इसकी वहां पर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अब इसके चलते हुआ ये कि ये धारा सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे साहब का निधन हुआ, और बाल ठाकरे जी के निधन के बाद पालघर की रेणु श्रीनिवासन ने फेसबुक पर एक कमेंट किया था कि पूरी बंबई को इस तरह बंद क्यों किया जा रहा है। उनकी एक मित्र ने उसको लाइक भी कर दिया और इस वजह से इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई। तब समझ में आया कि दरअसल ये 66A भला क्या है और इसका इतना ताकतवर प्रभाव है कि किसी को भी रातों रात गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद असीम त्रिवेदी जो है वो इस चर्चा में आए, उनकी गिरफ्तारी को लेकर इसका हंगामा और भड़का। फिर आजम खान जी के खिलाफ टिप्पणियां हुई इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, उनके टिप्पणी करने वाले किशोर को गिरफ्तार किया गया वाराणसी में। उसके बाद गोवा के एक पेशेवर थे, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणियां की थी, उसके खिलाफ उनके खिलाफ धारा बनाई गई। तब जाकर ये समझ में आया कि दरअसल इस 66A को नेताओं ने एक ऐसी लाठी बना लिया है जिसको लोगों की आवाज बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये एक तरफा उपयोग था। मैं ये कहूंगा कि 66A का जो प्रावधान किया गया उस वक्त सोच ये रही होगी कि कोई भी अनाप शनाप लिखकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इंटरनेट और सोशल मीडिया, अगर उसमें मीडिया शब्द जुड़ा है तो मीडिया दरअसल जवाबदेही के साथ आता है, और जब आप जवाबदेही के बिना कुछ भी कहकर बच निकलने की कोशिश करते हैं तो उसको दायरे में कैसे लाया जाए? कुछ कानून है, आप धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली या फिर राष्ट्र विरोधी टिप्पणियां नहीं कर सकते, ये तो आईटी एक्ट की जरूरत ही नहीं है, ये तो देश के कानून में है। लेकिन दिक्कत ये है कि इन सभी कानूनों में कड़े प्रावधान नहीं है, और दरअसल जो व्यक्ति है उस तक पहुंचने में भी लंबा समय लगता है, और उसमें आईटी के दायरे में कोई अलग से प्रावधान नहीं किए गए थे। लेकिन मैं ये मानूंगा कि 66A का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ है वो बहुत गलत था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मजबूत होगी। लेकिन इस मामले में ज्यादातर सरकारों का ये मानना है कि इसके बाद आपत्तिजनक टिप्पणियों की बाढ़ आ जाएगी। नहीं देखिए, अब ये हमें सोचना होगा कि हम इसको कैसे रोकें। दरअसल ये पूरा जो इंटरनेट स्पेस है, ये जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वो एक फिनोमिना है, और इस फिनोमिना को, इस पूरे प्रावधान को, इस पूरे एक जो घटना घटित हुई है उस घटना को समझने में भूल की है और देर की है। जो सरकार कोशिश कर रही है वो दरअसल जो है एक समंदर है, विशाल असहाय समंदर है जिस पर बांध बनाने की कोशिश की है। बांध जो है वो नदियों पर बनते हैं, समंदर पर बांध नहीं बनते। समंदर को अपनी मर्यादा में खुद रहना होता है। जब समंदर अपनी मर्यादा लांघता है तो सुनामी आती है और विनाश आता है। अब इस समंदर को खुद अपनी मर्यादा में रहना कैसे सिखाया जाए, इस पर हम सबको मिलकर काम करना होगा। देखिए दिक्कत यह है कि समाज में जागृति नहीं है, समाज में जागृति नहीं है, और दूसरा हमारे समाज में लोग कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उस समाज को आप कैसे जागरूक बनाए कि वो अपनी टिप्पणियों को लेकर सजग। आपको छूट है, आप कहिए, आपको कोई चीज बुरी लगती है तो आपको हक है, लेकिन आपको अगर सिर्फ कहने का हक है और कोई जवाबदेही नहीं है तो उस पर भी बहस होनी चाहिए। जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में भेद करना भी हमें आना चाहिए। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि 66A जो धारा है वो एक तुगलकी फरमान बन गई थी। केवल किसी नेता की एक शिकायत भर पर किसी को भी घर से उठाकर प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे एक मुजरिम के रूप में, एक अपराधी के रूप में ट्रीट किया जा रहा था, यह बिल्कुल गलत था। लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल भी है, ऐसा कोई मामला सामने क्यों नहीं आया जब किसी एक आम आदमी को अपने खिलाफ की गई सोशल मीडिया की टिप्पणी अच्छी नहीं लगी और उसने शिकायत की और पुलिस ने गिरफ्तारी की? दरअसल बात यहां पर सत्ता के दुरुपयोग की भी है।
तो जो पावर में बैठा है उसके कहने पर जब हमारा सिस्टम एकदम से जागरूक होकर काम करने लगता है और जो आम व्यक्ति है जिसको कभी शिकायत होती है तो वो चप्पलें घिसकर थक जाता है फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता। दरअसल मुझे लगता है समस्या की जड़ में ये बात है। ये सही है कि ये प्रावधान कुछ ज्यादा ही कड़ा था। एक ऐसा हथियार मिल गया था कि आप किसी को भी घर से उठाकर ला सकते हैं, तो उन्हें उस हथियार का इस्तेमाल किया और इसलिए उस हथियार को हटा देना रास्ते से फिलहाल के लिए ठीक है। लेकिन ऐसे तमाम कानून जिसमें न्याय तो आम आदमी को मिलना चाहिए था और मिलता है पद पर बैठे किसी ताकतवर व्यक्ति को, उसका क्या किया जाए, एक ज्यादा बड़ा सवाल सवाल है। बहरहाल अगर हम आज की अपनी बहस को केवल 66A तक सीमित रखें तो 66A में करीबन 5-7 अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से यह कहा गया था कि आप यदि कोई भी इस तरह की टिप्पणी करते हैं जो आपत्तिजनक है, जो गैर वाजिब है, तो उसको लेकर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसमें भी गिरफ्तारी यह थी कि कोई भी थानेदार जाकर, कोई पुलिस वाला जाकर, इसीलिए पिछली जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक SP या उसके ऊपर के अधिकारी की सहमति नहीं हो या वो इस गिरफ्तारी में शामिल नहीं हो तब तक गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी थानेदार जाकर सीधे किसी को भी घर से उठाकर लाने के लिए सक्षम हो गया था। तो इसको निरस्त किया जाना स्वागत योग्य है, लेकिन इस बहस को कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी हो, किस तरीके से हो, इंटरनेट पर जो विचारों की एक उश्रंखल बाढ़ सी आ गई है उसको कैसे रोका जाए, ये बड़ी बहस का मुद्दा है। सोशल मीडिया ने एक बहुत अहम काम ये किया है कि जो खबरें पारंपरिक मीडिया में दब जाती थी, छुप जाती थी, सामने नहीं आती थी, वो खबरें आने लगी हैं। एक और बात जो हमने पिछले कई सालों में देखी है कि कोशिश की जाती है कि मीडिया पर प्रभाव बनाकर और अपने विरुद्ध की खबरों को रोका जाए, छुपाया जाए, लेकिन वही खबरें जब सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने आने लगी तो नेता शायद परेशान हो गए, बिलबिला उठे और उनको इस एक्ट के रूप में एक हथियार मिल गया। लेकिन इससे आगे की बात यह जरूर है कि इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी बात कह रहे हैं वो कहें, खुलकर कहें, उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन बातों में धीरे धीरे हम जवाबदेही का भाव कैसे लाएं, इस पर निश्चित तौर पर हम सबको मिलकर काम करना होगा। जयदीप जी, ये भी माना जा रहा है कि इसके बाद मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। देखिए, होता तो यही है, दरअसल हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कानून नहीं है। जैसे मानहानि की आप बात ले लें, दरअसल ये मानहानि से जुड़ा मुद्दा है कि आपने मेरे खिलाफ गलत टिप्पणी की है जिससे मेरे मान की हानि हुई और आपने जो कहा उसमें तथ्य नहीं है और इसलिए ये आपको गिरफ्तार किया जाता, उस मामले में गिरफ्तार किया जाता था, दूसरे जो मामले उसमें गिरफ्तार नहीं किया जाता, सालों साल कोर्ट में मुकदमा चलता है, जिस व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ है उसका नुकसान की भरपाई हो नहीं पाती और मुकदमे का जब तक फैसला आता है तब तक वो मामला ही निरर्थक हो चुका होता है। तो मुकदमे तो हमारे यहाँ वैसे भी कोर्ट में बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, आगे भी चलेंगे। किसी व्यक्ति का यदि कोई नुकसान हुआ है तो कैसे उसको तुरंत न्याय, देखिए एक बहुत अहम मसला है कि जैसे बोफोर्स कांड में अमिताभ बच्चन जी का नाम आया, लगातार उन पर छींटाकशी होती रही, जिस दिन उनका नाम वहां से हटा उस दिन उनकी आंख में आंसू थे। वो इसलिए थे कि इस बीच जो उनके दामन पर दाग लगे उनको आप कोई जाकर मिटा नहीं सकता। एक उदाहरण मात्र है, ऐसे तमाम और उदाहरण हैं जहां पर आपने किसी व्यक्ति की छवि को खराब किया है, वो सही झूठ उस वक्त नहीं हो पाया, जब तक सही झूठ हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो हमें ये सोचना होगा कि ऐसे मामलों में जब आदमी बिना तथ्य के, बिना जवाबदेही के, बिना प्रामाणिकता के कोई बात रख रहा है तो उसको ऐसा करने से रोकने के लिए हमारे पास किस तरह के कानून होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के रूप में जनता को एक जो ताकत मिली है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो उनसे नहीं छीना जाना चाहिए। उनको वहां पर जाकर अपनी बात खुलकर कहने की आजादी होनी चाहिए, उस आजादी पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं होना चाहिए। अदालत ने भी आग्रह किया है कि कोई भी टिप्पणी करने से पहले सोच विचार करें, लोग इस पर कितना अमल करेंगे। दिक्कत तो हमारे यहाँ यही है ना कि लोग सोचते हैं कि वो कुछ भी करेंगे और बच जाएंगे, वो कहना तो जरूर चाहते हैं पर जवाबदेही से बचना चाहते हैं। अदालत ने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न है। हमारे देश में यदि इस तरह की जागरूकता का अभाव है कि लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, कुछ भी कहकर बच निकलते हैं, तो उस पर भी किसी न किसी तरह का विचार होकर रोक होनी चाहिए। लेकिन खास तौर पर इस कानून ने बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि इस कानून की आड़ में जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं उसने ये बता दिया था कि इस कानून से आम आदमी का तो भला कुछ होने नहीं वाला, इससे मान अपमान वाला जो खेल है वो भी नहीं रुकने वाला, केवल नेताओं के पास एक ऐसा हथियार आ जाएगा जिससे वो किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी आम व्यक्ति को या रचनाकार को या लेखक को या कहानीकार को परेशान कर सकते हैं इसकी आड़ में। क्योंकि आजकल जो भी व्यक्ति कुछ भी लिखता है वो इंटरनेट पर जरूर डालता है, जैसे ही वो इंटरनेट पर डालता है वो IT एक्ट और 66A के दायरे में आ जाता है, जैसे ही दायरे में आता है आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको अपराधी के रूप में आप पेश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 66A ने तो जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया और इसका निरस्त किया जाना तो ठीक ही है।
कैसे इंटरनेट या कहें सोशल मीडिया की लोकप्रियता और बढ़ेगी इसके बाद? सोशल मीडिया की लोकप्रियता तो खैर बढ़नी है। आप देखिए कि हम सोशल मीडिया पर इतनी बहस कर रहे हैं वो तब जब केवल भारत की 20% आबादी के पास इंटरनेट उपलब्ध है। जब 20% की पहुंच के भीतर आने के बाद ये इंटरनेट और ये सोशल मीडिया इतनी बड़ी ताकत बन गया है, तो जब 120 करोड़ की आबादी में से 50-60 करोड़ लोग इसका उपयोग करने लगेंगे, तब आप कल्पना कीजिए कि ये कितनी तेजी से। और इसमें एक और अहम बात है कि इस इंटरनेट का और इस सोशल मीडिया का उपयोग उन कंपनियों ने ज्यादा किया है, फेसबुक और ट्विटर जैसी, जिन्होंने भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखा है। जो लोग इस खुशफहमी में हैं कि वो स्वतंत्रता से कुछ भी कह रहे हैं और वो किसी ऐसी जगह पर कह रहे हैं जो अपने आप में स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। फेसबुक भी आपकी पोस्ट को जो है वो लिमिट करता है, आप क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे इसको तय करता है। ट्विटर पर आपकी पहुंच कितने लोगों तक होगी कितने लोगों तक नहीं होगी ये भी बहुत हद तक ट्विटर का प्लेटफॉर्म करता है। तो आप लोगों को, इंटरनेट का उपयोग करने वालों को भी इसके प्रति और ज्यादा सजग होना पड़ेगा। और आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जिसको कभी भी आपके पैरों के नीचे से खिसकाया जा सकता है। धन्यवाद जदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे आईटी एक्ट की धारा 66A की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।